अरे यार बैंड तो बजवाओ। अरे देखो अर्चना, ये मेरी देवरानी है और ये उनकी लड़की और ये मेरे देवर है। नमस्ते अर्चना जी। नमस्ते आंटी। आप लोग बड़ी देर लगा दिए आने में, पूरे शादी का फंक्शन मिस कर दिया आप लोगों ने। हाँ अर्चना जी, कोई दूसरी शादी भी थी हमारे यहाँ। हाँ हाँ कविता जी बता रही थी। पाई लागू भाभी। देखिए अर्चना जी, ये है मेरे देवर। नमस्ते। अंजलि का कन्यादान करने आए हैं। हाँ हाँ मैं वही सोच रही थी कि अंजलि का कन्यादान कौन करेगा। हाँ वो भी कुछ व्यस्त थे शादियों में, इसलिए अभी आए हैं। अम्मा जी ठीक हूँ बटुआ। बारात जब नज़दीक आ जाएगी ना तो हम लोग भी नाचने जाएंगे ना यार, मुझे बहुत मन है नाचने का। हाँ हाँ यार ज़रूर जाएंगे। अरे यार मुझे भी मन है बहुत ज़्यादा नाचने का। बिल्कुल नाचेंगे। देखो आवाज़ भी आ रही है बैंड की, शायद नज़दीक में ही होगी बारात ना जी। वो जो जब दूल्हा आएगा ना तो दूल्हे को अंदर लेके आने का भाई का काम होता है ना, वो कार्तिक कर लेगा ना। अरे कविता जी आप ऐसे क्यों बोल रही हो, अंजलि मेरी भी तो बेटी है ना, और अनिका अंजलि तो मैंने कभी दोनों को और अनन्या अनु को कभी अलग नहीं माना है, चारों मेरी लड़कियां हैं। हाँ तुम ठीक कहती हो, मैं वही सोच रही थी कि अंजलि का भाई नहीं है ना तो फिर ये सब सारी रस्में कौन करेगा। बिल्कुल चिंता मत करिए आप। धन्यवाद। ये अंश को पकड़ो ना मम्मा, हम लोग जा रहे हैं, बारात आ गई है नीचे, हम लोग थोड़ी देर डांस करके आते हैं। ठीक है बेटा। हेलो ना, अभी ये लोग और भी डांस करने वाले हैं, अनिका अनु भी यहाँ पे आने वाले हैं। चलो हम चल के बैठते हैं, मेरे पैर दर्द करने लगे दीदी। हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो। डांस करने के लिए जीजू स्टेज पर चलिए वरमाना के लिए। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा। बेटा ये है अंजलि के चाचा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। बैठिए अंदर जाके। अंदर जाके बैठिए बेटा। बेटा अंदर जाके बैठिए।
अभी सारे लोग खत्म हो गए हैं ना बेटा? अनिका, हाँ चाचा जी, अंजलि को लेके आओ, अंजलि को ला दो ना। ठीक है चाचा जी। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चीकू टीवी बाबीज चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हम लोग राहुल अंजलि की शादी करने के लिए थोड़ा सा दूर गए थे, मैंने बताया था आपको, मंदिर है वहाँ पे हमारी, वहाँ पे गए थे हम लोग, तो उतना जल्दी जल्दी में ज़्यादा शूट हम नहीं कर पाए। सब कुछ शूट कर लिया है, अभी हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो डाला है और शादी का, विदाई का भी हम लोग डालेंगे। मैं एक ही दम पूरा वीडियो क्यों नहीं डाली, क्योंकि एक ही दम मैं तुम्हें इतना सारा सारा डालती हूँ, फिर भी तुम नेक्स्ट पार्ट जल्दी जल्दी करते हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाइएगा गाइस। और आप राहुल अंजलि का शादी के बाद वाला वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हो, तब तक कम से कम मुझे 10K सब्सक्राइबर्स होने के बाद ही बनाऊंगी गाइस, तब तक मैं नहीं बना पाऊंगी, दूसरे स्टोरीज डालूंगी। प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइएगा, उसके बाद मैं ज़रूर इनका आगे का वीडियो बनाऊंगी। ठीक है गाइस। और ये जो स्कर्ट है अंजलि का और ये ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ सिलने में मुझे बहुत दिक्कत हुई गाइस, क्योंकि ये कपड़ा सैटन का है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है ब्लाउज़ सिलने में। मैंने इसका भी वीडियो बनाया है, मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको, उसको भी देखिएगा आप। और हमारे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइएगा, और ये हमारा वीडियो जो है राहुल अंजलि की शादी वाला, लाइक ज़्यादा लाइक्स 1000 लाइक्स करिएगा गाइस, और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और सब्सक्राइबर्स बढ़ाइएगा। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।